हेलो गाइस, नमस्ते। देखो, आज हमारी पैकेजिंग हो गई है। हम जा रहे हैं अपने गांव। तो आज मैंने सारा सामान पैक कर लिया। आज हम निकलने वाले हैं यहां से। तो मेरे चाचा आ रहे होंगे गाड़ी लेके। हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। ये देखो, हम निकल चुके हैं अब यहां से। अपने गांव जाएंगे। मेरा गांव पड़ता है यूपी मैनपुरी में। अब यहां से देखो, हम जा रहे हैं। हम जहाँ दिल्ली क्रॉस कर गए हैं। रात के टाइम है ये। देखो, अब हम आए हुए हैं टोल टैक्स प्लाजा। ये ट्रक ही ट्रक चल रहा है काफ़ी। नोएडा एक्सप्रेस, अक्षरधाम, नोएडा क्रॉस कर गए। उसके बाद देखिए कितना जाम है, रश है। बट यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि रोड एकदम बढ़िया क्लीन ही है। जाने में हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो देखो, हम जा रहे हैं, बस पहुंच जाएंगे हम सुबह अराउंड 4:30 बजे तक। आइडिया है क्योंकि 10:30 बजे निकले थे हम। ये देखो, थोड़ा लाइट है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ करी हुई है दिल्ली सरकार ने, और यूपी सरकार ने भी काफ़ी अच्छा कर दिया है। देखो हाईवे कितना अच्छा बना हुआ है। देखो ये पड़ता है दिल्ली NCR। यहाँ पे इतनी सारी सर्विस अच्छी है। यहाँ पे एक से एक कंपनियाँ मिलेंगी आपको। पूरा हाई फाई एरिया बन गया है। ये सारी ब्रांडेड कंपनियाँ यहाँ पे, बाहर की फॉर्चुनर कंपनी है यहाँ पे। सारी फॉर्चुन कंपनियाँ हैं। देखो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है नोएडा के अंदर। ये देखिए गाइस, मुझे तो बहुत खुशी हो रही जाने में। मैं कब पहुँचूँगी यहाँ से अपने घर जाते ही मैं आपको बहुत सारे ब्लॉग दिखाऊंगी। और ये देखो, नाइट में मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद भी लग रही थी। बैठे बैठे थोड़ा मैं नींद आ रही थी, बट मेरे को बाहर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। एक्साइटमेंट हो रही थी जाने की, तो मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं देखने, अब हम पहुँच गए थे अपने घर। ये देखो, मेरे पापा सो रहे थे, मम्मी जग गई थी एकदम से। मम्मी ने गेट खोला। देखो हम लोग पहुँच गए थे करीबन 4:30-5 बजे के करीब हम पहुँच गए थे। अंधेरा अंधेरा